हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी नीट 2021 एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है। नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। एनटीए की तरफ से ये अपडेट है कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन 100% अब हो जाएगा। अगर सारे स्टूडेंट की यही डिमांड है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, जो भी बच्चे नीट 2021 का एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एनटीए की तरफ से ये अपडेट आया है कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन 2021 नीट यूजी लाइकली टू शिफ्ट इन अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर से अक्टूबर तक शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एनटीए ने एक चीज़ और कही है, जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना चाहते हैं वो एनटीए पर एक क्वेरी फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए और उसमें आप अपना रीज़न बताइए कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं क्लैश कर रहे हैं नीट के साथ, उन सब के लिए आपको डिटेल भरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यू अपडेट्स, एनटीए हैज़ पोस्टपोन्ड आर रीशेड्यूल द एनईटी यानी नीट एग्ज़ाम। अर्लियर एनटीए अनाउंस शेड्यूल द एग्ज़ाम फॉर 12 सितंबर। प्रियर टू दिस एग्ज़ाम डेट द एग्ज़ाम वंस शेड्यूल टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून बट पोस्टपोन टू द कोविड-19 पैंडेमिक। स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम आर सजेस्टेड टू स्टे कनेक्टेड विद अस। आपको एक बार नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है जून से 1 अगस्त, फिर 1 अगस्त से 12 सितंबर, अब तीसरी बार ये नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जा रहा है। ये आज ही का अपडेट है, 26 तारीख का। आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम को अक्टूबर तक पोस्टपोन करने की डिमांड हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू वेरियस कॉलेज स्टूडेंट्स से डेट द एग्ज़ाम डेट इज़ टू क्लोज टू द अदर एग्ज़ाम। जैसे उड़ीसा का जेई एग्ज़ाम है, सीबीएसई का एग्ज़ाम मैथ्स का 13 सितंबर को है और आईसीएआर एग्ज़ाम 9 को है। तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी डिमांड ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट्स नीट को पोस्टपोन कराना चाहते हैं सच में, वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक क्वेरी फॉर्म को फिलअप करना होगा। कैंडिडेट्स में विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट, आप अपनी उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर देख सकते हैं क्वेरी फॉर्म को, उसको फिल कर दीजिए और उसमें अपनी डिटेल दीजिए कि किस तरीके से और एग्ज़ाम उसके साथ क्लैश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नीट का एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगी। उसके बाद एनटीए उस पर विचार करेगा, क्योंकि पहले ही 88% स्टूडेंट्स पोलिंग में ये आ चुका है कि 88% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए डायरेक्टर विनीत जोशी जी मिलकर कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर लेंगे और ये 1 तारीख तक आपको डिसीज़न पता चलेगा, यानी एग्ज़ाम के 10 या 12 दिन पहले ही डिसीज़न आएगा। उसके पहले या अभी के जो 2-3 दिन हैं, जो बच्चे पोस्टपोन नहीं कराना चाहते हैं वो पढ़ाई करते रहे, जो पोस्टपोन कराना चाहते हैं उनको भी पढ़ाई करते रहना है। अगर पोस्टपोन हो जाता है एग्ज़ाम तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आपको और टाइम मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने में चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि कई एग्ज़ाम इसके साथ क्रैश कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले अपडेट आपको पहले भी मेरे चैनल पर मिली थी और इस बार भी पोस्टपोन की सबसे पहली न्यूज़ मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगी। थैंक यू।